आज मैं आपको अल्ट्रासाउंड में एक ऐसी कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जिसे स्मॉल योग सैक करके मेंशन किया जाता है। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें हमें प्रेगनेंसी की पहली झलक जो दिखाई देती है उसे जेस्टेशनल सैक कहते हैं, दूसरी योक सैक होती है और तीसरी फीटल पोल होती है। ये तीनों झलके दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ये प्रमाण होती हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो सही दिशा में ग्रो कर रही है। इन तीनों चीज़ों का दिखना टाइम रहते एक अच्छा साइन माना जाता है। जब हमें एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में जेस्टेशनल सैक दिखाई देता है तो इस जेस्टेशनल सैक के दिखने के लगभग 7 से 10 दिन के बाद इसी जेस्टेशनल सैक के अंदर हमें एक और प्रेगनेंसी की दूसरी झलक दिखाई देती है जिसे योग सैक कहते हैं। सामान्यतः जो योग सैक है इसका साइज 2 mm से 6 mm के बीच में होता है। अगर उससे कम है तो इसे स्मॉल योग सैक करके मेंशन किया जाता है और अगर 6 mm से ज़्यादा है तो एनलार्ज योग सैक करके मेंशन किया जाएगा। ये जो स्मॉल योग सैक है ये एक ऐसी टर्म है जब योग सैक हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं ये उतना ना होकर उसके मुकाबले काफ़ी छोटा होता है। और स्मॉल योग सैक के होने के काफ़ी कारण होते हैं। पहला है, जो मदर और फादर से गुणसूत्र बेबी को मिले हैं अगर उसमें किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी होती है तो आपको योग सैक से रिलेटेड या जेस्टेशनल सैक से रिलेटेड भी आपको कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगी। साथ ही जो सेल डिवीज़न होता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है, अगर आप उनको चेकआउट करोगे तो आपको पता लगेगा। जो सेल डिवीज़न होता है अगर उसमें किसी प्रकार की मैकेनिकल फेलियर आता है तो आपको योग सैक में भी कोई ना कोई खराबी दिखाई देगी। तो जब अल्ट्रासाउंड में स्मॉल योग सैक आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपको दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाने की एडवाइस देते हैं। इस बीच प्रोजेस्ट्रोन की टैबलेट्स, फोलिक एसिड, आयरन सप्लीमेंट या हो सकता है कि आपको बीटा HCG का इंजेक्शन भी दिया जाए और दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाने की एडवाइस दी जाती है। हो सकता है कि आपको अल्ट्रासाउंड भी वजाइना के रास्ते से करवाना पड़े। जो दूसरा स्कैन होता है उससे क्लियर होता है कि ये जो प्रेगनेंसी है इसका स्टेटस क्या है और ये रूल आउट होता है कि प्रेगनेंसी आगे ग्रो होगी या नहीं होगी। लेकिन एक बारी में स्मॉल योग सैक आना और उसको ये डायग्नोस करना कि प्रेगनेंसी फेलियर है, मिस्ड अबॉर्शन है, ये भी सही नहीं होगा। ओके, तो आपको दोबारा से स्कैन करवाना चाहिए और अगर आप चाहें तो सेकेंड ओपिनियन भी ले सकते हैं किसी दूसरे डॉक्टर से। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।